आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से रिलीज होने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इसके एडमिशन के प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से कोर्स यहाँ पे ऑफर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस यूनिवर्सिटी के अंडर में मोर देन 70 कॉलेजेस आते हैं जिनके अंदर आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नजर डालते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस पे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी, कोर्स डिटेल के बारे में भी, कैसे अप्लाई करते हैं और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहां पे आपके पास दो तरीके अप्लाई करने के, एक है सीयूईटी का और एक है आपके पास आईपीयू सीईटी का। अभी आईपीयू सीईटी क्या है, सीयूईटी क्या है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपने आपको सीयूईटी की वेबसाइट पर भी लिस्ट करा है और आईपीयू सीईटी के थ्रू भी अपना एडमिशन ले रहे हैं। आईपीयू सीईटी होता है इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम खुद के एंट्रेंस एग्जाम जो हम कंडक्ट कराएंगे उसके बेसिस पे एडमिशन देंगे स्टूडेंट को। जब सीट्स वैकेंट रह जाएगी तो उसके बेसिस पे हम सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे वैकेंट सीट्स के अंदर एडमिशन फिल कर लेते हैं। अगर आप 100% चाहते हैं कि भाई मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीयू यूनिवर्सिटी है, तो आईपीयू सीईटी तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप ऑप्शन लेकर चल रहे हैं तो भाई आप, मैं ये कह सकता हूं कि आप सीयूईटी के थ्रू यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यहां पे देखिए, तीन टाइप से कोर्सेज आप लोगों को ऑफर करे जाते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन होता है इनका एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे करवाए जाने वाले कोर्सेज। तो एंट्रेंस के बेसिस पे बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल है, बीए प्रोग्राम के अंदर, सॉरी बीए प्रोग्राम नहीं होता, बीए ऑनर्स के अंदर आपके पास इंग्लिश इकोनॉमिक्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दैट इज बीजेएमसी कोर्स आपके पास अवेलेबल है। बीएड आप कर सकते हैं, बीएड स्पेशल कर सकते हैं, बीबीए एमबीए एमबीए आईटी सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों के करवाए जाते हैं। फिर आता है होटल मैनेजमेंट, बीसीए एमसीए बीएससी एमएससी बीपीटी बीपीओ पैरामेडिकल के कोर्सेज पे भी आप यहां पे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली इनका एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड कोर्सेज। तो क्या होता है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहले यहां पे इन कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता था, जैसे कि बात करूं बीटेक के लिए, स्पेसिफिकली एमबीए के लिए और एमसीए के लिए इनका खुद का ही एंट्रेंस होता था। लेकिन सेशन 2019 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने नेशनल लेवल के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेना शुरू करा। तो एमबीए के लिए कैट और सीमेट और सीटी लिया जाता है। इसके बाद बीटेक के लिए जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे अगर आप मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो नीट के स्कोर पे एडमिशन लिया जाता है। तो ये है इनका मेरिट जो है नेशनल लेवल टेस्ट बेसिस पे बनाते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस सेम रहता है। देखिए हमारे पास क्या, एक चीज समझने की कोशिश करिए, आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे उससे भी आपको एक स्कोर मिलेगा, इस नेशनल लेवल टेस्ट का भी एक स्कोर है और इन स्कोर का ही आपका यूज होता है काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। जितना अच्छा आपका स्कोर उतना अच्छा ज्यादा आपका चांस होता है एडमिशन मिलने का। अब देखते हैं बीएलएलबी के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, एलएलएम करना चाहते हैं तो क्लैट पीजी का एग्जाम देना पड़ता है। अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होगी आई होप। और मेरिट बेस अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलएम वीकेंड एमबीए वीकेंड आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। वीकेंड बेसिकली कोर्सेज जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है मेरिट बेसिस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। चलिए अब इसके एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं डिटेलिंग के साथ, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे आप लोग अटकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, सीयूईटी का एग्जाम दे देंगे, लेकिन यहां पे राइट कॉलेज में अपने नहीं पहुंच पाते। तो कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप यहां पे एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम डेडिकेटेड आईपी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन तो कराते ही कराते हैं और जो स्टूडेंट सीयूईटी की भी तैयारी करना चाहते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री आईपीयू प्लस सीयूईटी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हमारे जो स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका कंसर्न ये रहता है कि सर आप क्या सीयूईटी के बारे में भी हमें बताओगे, सीयूईटी के बारे में हम आपको पढ़ाओगे हमको। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि आप लोगों के लिए कंबाइंड कोर्सेज बनाए हैं सीयूईटी प्लस आईपीयू सीईटी, ताकि आप लोगों की दोनों तरफ से अच्छी तैयारी हो सके। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जहां पे हमारे करियर काउंसलर्स आप लोगों को हेल्प करते हैं। 24x7 चैट सपोर्ट सिस्टम है, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको बस यहां पे चैट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन रेज करने हैं, आपको रिवर्ट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की तरफ, दोबारा से बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या स्टेप होते हैं आपके एडमिशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा, साथ में आईपीयू सीईटी का भी उनको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ताकि
आप लोगों की प्रोबेबिलिटी अच्छी बन सके। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है, तो आईपी यूनिवर्सिटी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये आप लोगों की सेकंड नंबर की प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप डेडिकेटेडली आईपी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर आप सीयूटी के साथ आईपी में अपना बैकअप बना के चलना चाहते हो तो आपको सीयूटी का भी फॉर्म फिल करना है और आईपी का भी फॉर्म फिल करना है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। वो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, सीयूटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो भाई सीयूटी वाली वेबसाइट पर जाना है, सीयूटी.समर्थ पे, ठीक है। आईपी के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे चाहते हो कि मेरा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो, तो उसके लिए आपको ipu.ac.in पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का आएगा 1500 रुपये का, ठीक है। सीयूटी का भी 1500 रुपये का होता है, आईपी का भी आप लोगों का अलग से फॉर्म होता है 1500 रुपये का। इसके बाद जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपको आपका एडमिट कार्ड मिलता है, आईपीयू सीटी का भी आपको एंटर जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड देंगे और वहां पर जाके आपको अपना एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आप लोगों को एक स्कोर मिलता है जिसके बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट कर दिया जाता है। अब इस रैंक के बेसिस पे आपको उनके कॉलेजेस में एडमिशन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। क्योंकि आप डायरेक्टली आईपी यूनिवर्सिटी में जाकर तो नहीं बोलोगे कि मेरे को आपके इस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, क्योंकि आईपी के पास 70 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। महाराजा अग्रसेन वेब्स कॉलेज अवेलेबल है, जिम्स कॉलेज अवेलेबल है, तो आप इन कॉलेज में एक एक जाके तो अप्लाई नहीं करोगे। तो एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है जहां पर इन सभी कॉलेजेस के नाम लिस्टेड होते हैं और आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो उस पोर्टल के थ्रू। इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। जैसे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक है, एग्जाम दिया, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको रैंक अलॉट हुआ, आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, इसकी एक सेपरेट फीस होती है 1000 रुपये की। जैसे आप फीस पे करते हैं आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे दिए जाते हैं कि भाई ये कॉलेजेस हैं जिनमें आपका ये वाला कोर्स ऑफर करा जा रहा है। अब वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट देते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाला कॉलेज है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। जैसे जैसे आप प्रेफरेंस शीट भरोगे दैट मींस कि आपकी वो प्रायोरिटी है, फर्स्ट नंबर पे मेरे को ये मिलना चाहिए, सेकंड पे ये मिलना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों की कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है आईपी यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पे। देन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फर्स्ट राउंड आता है, फर्स्ट राउंड में अगर आपका रैंक अच्छा है तो रैंक के बेसिस पे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर रैंक अच्छा नहीं है तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। इसका काउंसलिंग प्रोसेस अपकमिंग टाइम में मैं आपको बहुत डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा, अभी फिलहाल में आपको बस ये ध्यान रखना है स्कोर अच्छा है तो कॉलेज अच्छा है, अगर स्कोर अच्छा नहीं है तो आप कॉलेज की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि भाई आईपी यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट करें तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो अच्छे से। क्लास 12th में भी आप जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ भी लेना देना नहीं है आईपीयूसीटी से, तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे एक घंटे का हो, और आज से ही करना शुरू करो। इसलिए हमने जो हमारे कोर्सेज बनाए हैं, आईपीयूसीटी की बात करूं अगर सीयूटी की बात करूं तो हमने जो कोर्सेज बनाए हैं उनकी ड्यूरेशन भी हमने क्या करी है एग्जाम से 15 दिन के बाद तक की भी रखी है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम मई में होगा तो हमने आपको वैलिडिटी उसकी 31st of July तक की दी है। आज की डेट में आप एनरोल करोगे टिल दी एग्जाम आप लोगों की तैयारी चलती रहेगी, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेने की यार मैंने आज फीस भर दी तो अब मेरी तो वही क्लासेस छूट जाएंगी, क्या हो जाएगा। जो भी क्लास होती है डायरेक्टली आप लोगों को क्या होता है रिकॉर्ड होके हमारे पोर्टल पे 24 आवर्स में लाइव हो जाती है हमारे एप्लीकेशन पे, तो कोई क्लास मिस भी हो गया तो वो बाद में भी आप टिल दी एग्जाम देख सकते हो। तो इसलिए आज की डेट में अपनी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो ये है इसका एडमिशन का प्रोसेस जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकल रहे हैं, 1 February से इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है, आप लोग इस डेट को मार्क कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे मैं आप लोगों को प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है आपको, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डिटेलिंग सबको अपनी डालनी होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल में मिलती रहेगी। टिल देन आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और एक कह सकते हैं कि भाई एक गाइडेंस के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर कोई चीज़ ढूंढने आए हो, सर्च करने आए हो, डेफिनेटली वो आपके लिए है, आपको हेल्प करने वाली है, तभी आप इतना अपना टाइम यहाँ पे दे दो। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली डेट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिली है इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।